बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है डीमेरिट ऑफ मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से डीमेरिट है? तो पहले तो हमने मेरिट्स देखे थे। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे डीमेरिट्स कौन से है मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल के। तो बुक में बहुत सारे सेंटेंस दिए हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जंपलिंग रहती है बच्चों की। लेकिन आप थोड़ा ट्रिक से याद रखने का, ये टॉपिक समझ ले लो, और समझने के बाद आपके वर्ड में राइट करना है आपको, ये ध्यान में रखो। तो इतने भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको ये सब टॉपिक समझ लेना है, और समझ लेने के बाद आपको वो अपने वर्ड में राइट करना है। तो यहाँ पे देखो, डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से डिमेरिट्स थे, तो कौन कौन से डिमेरिट्स थे, उनके दोष कौन कौन से थे, वो हमें यहाँ पे लिखना है। कौन सी गलतियां उन्होंने की थी पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर करने के बाद, तो वो गलतियां हमें यहाँ पे लिखनी है। तो देखो, पहला क्या किया था उन्होंने, द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम। ये पहली गलती थी, कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास सेम था। तो देखो, अभी हाइड्रोजन आप लिखो, हाइड्रोजन का हम लेते थे, हेलियम का एटॉमिक मास 4 था, हाइड्रोजन का 1 लिखो, लिथियम का 6.9 था और बेरिलियम का 9 था। तो ये एटॉमिक मास थे। तो एटॉमिक मास के जरिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया था। उस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे, तो 63 एलिमेंट्स थे मेंडेलियो के पीरियोडिक टेबल में। तो अब सपोज ये देखो, ये बॉक्सेस है, तो इसका हाइड्रोजन का 1 है, तो इसमें हाइड्रोजन डाला, यहाँ पे उन्होंने हीलियम डाला, यहाँ पे लिथियम डाला और यहाँ पे बेरिलियम उन्होंने डाला था। तो इस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर की थी। अभी देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या गलती की थी, कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास सेम है, दोनों का ही एक ही एटॉमिक मास है, इसका अर्थ उस बॉक्स में कोबाल्ट और निकेल एक ही साथ आएंगे, उनका एटॉमिक मास तो सेम है। तो ये गलती मेंडेलियो की थी। तो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सिक्वेंस इन मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल, उनका जो सिक्वेंस था, उनका जो क्रम था, उसमें एम्बिग्यूटी रिगार्ड हुई। तो एक क्यों रिगार्ड हुई, बिकॉज द एटोमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम। ये मेंडेलियो की गलती थी। क्या गलती थी, आपको क्या ध्यान में लेना है, एटोमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम, सो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सिक्वेंस इन मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल। तो उसके क्रम में, सिक्वेंस में एम्बिग्यूटी रिगार्ड हुई। सो आइसोटॉप, सेकेंड देखो, अभी सेकेंड देखेंगे हम, आइसोटॉप्स वेर डिस्कवर्ड लेटर। सो आइसोटॉप्स मेंडेलियो ने जब पीरियोडिक टेबल जो प्रिपेयर किए थे, तब आइसोटॉप्स डिस्कवर्ड नहीं थे। अभी आइसोटॉप्स डिस्कवर्ड होने के बाद, अभी पहले तो हम आइसोटॉप्स की कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो, आइसोटॉप्स की डिफाइन आपको पूछी जाएंगी, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करें। आइसोटॉप्स यानी क्या, सम एलिमेंट, सम मीन्स कुछ एलिमेंट्स, वहां से सम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। सेम क्या है, एटॉमिक नंबर, सम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, अलग कौन सी बात है, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, उनका एटॉमिक मास अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो जो जो एलिमेंट है उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स। तो आप डिफाइन किस तरह से करेंगे, सम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इज नॉन एज आइसोटॉप्स, तो उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो देखो, ये ध्यान में ले लो आप, आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, सम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एग्जांपल भी हम देखेंगे अभी, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहता है। तो कार्बन का लेंगे, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, देखिए उसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास 14 है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, तो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, 6 है कार्बन का, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है, तो उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा, देखो मेंडेलियव ने जब पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर किया था, तो उन्होंने एटॉमिक मास के जरिए किया था। तो एक तरफ कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, दूसरी तरफ 14 है, इसका मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो कार्बन को मेंडेलियव अलग अलग, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन रखेगा क्या, नहीं। तो ये गलती थी मेंडेलियव की। आइसोटॉप्स उस पीरियोडिक टेबल में फिट करना बहुत ही डिफिकल्ट था,
क्योंकि आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टी क्या है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मेंडेलियव ने एटॉमिक नंबर के ऊपर मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल क्रिएट नहीं किया था, तो वो डिपेंड था एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एलिमेंट एक ही है, कार्बन ही है, लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, तो उसको अलग अलग बॉक्स में हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पे भी कार्बन रखा, यहाँ पे भी कार्बन रखा, तो ये नहीं चलेगा, एक एलिमेंट एक ही बॉक्स में आना चाहिए। तो ये मेंडेलियव का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 14, एटॉमिक मास की जगह यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे भी कार्बन रखो, यहाँ पे भी कार्बन रखो, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो ये मेंडेलियव का डिमेरिट था। तो मेंडेलियव का डिमेरिट क्या था? आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड लेटर, सो आइसोटॉप्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, तो क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है उनका, ये भी समझ लो। आइसोटॉप्स का देखो, कार्बन है, कार्बन का ही एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 2R4। अभी 2R4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉनिक, ये तो नॉन मेटल है, इसका उसके प्रॉपर्टीज देखो, सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो नॉन मेटल है, ये प्रॉपर्टी उसकी, उसकी अलग सी प्रॉपर्टी, उसकी वैलेंसी भी कितनी है, 4 ही रहेगी उसकी वैलेंसी। तो आइसोटॉप्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, उसके एटॉमिक मासेस अलग रहते हैं। सो चैलेंज वाज पोज्ड टू प्लेस द आइसोटॉप्स इन मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल में हम आइसोटॉप्स किस तरह से रख सकते हैं, ये चैलेंज वहां पे आ गया था। अरे डिमेरिट था मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल का, तो अभी आसानी से मैं आपको बताता है क्या डिमेरिट था। तो पहला तो आपको मालूम है कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास सेम था, ये प्रॉब्लम था। सेकंड में प्रॉब्लम था कि आइसोटॉप्स वर डिस्कवर्ड लेटर, बाद में आइसोटॉप्स डिस्कवर्ड किए गए और बाद में उन्हें मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल में किस तरह से प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट एटॉमिक मास के ऊपर थी, लेकिन आइसोटॉप्स ये अलग है, आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, अरेंजमेंट की थी उन्होंने एटॉमिक मास से। तो यहाँ पे देखो, दो एक 12 भी है और 14 भी, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन रखेंगे क्या, तो अलग अलग एक एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन एटॉमिक मास अलग है, तो यहाँ पे कार्बन ये नहीं हो सकता है। तो ये गलती थी मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल की। यहाँ पे देखो थर्ड नंबर का देखेंगे, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, जब एलिमेंट की अरेंजमेंट मेंडेलियव ने किस तरह से की थी ये आपको मालूम है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर से एलिमेंट की अरेंजमेंट की थी मेंडेलियव ने। सो राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म से राइज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म से यानी सेम सेम क्वांटिटी में। तो अभी हम देखेंगे एटॉमिक मासेस किसके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 है, हेलियम का एटॉमिक मास 4 है, लिथियम का एटॉमिक मास देखो हम लिखेंगे 6.9, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 रखेंगे, बोरॉन का 11 रखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12। तो ये जनरल एग्जांपल आपके सामने मैंने रखे, एटॉमिक मासेस किस तरह से होते हैं उनके, तो वो आपके सामने रखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 1 यहाँ पे लिखा है, हेलियम का 4 है, लिथियम का 6.9, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 11 है और कार्बन का 12 है। तो देखो इनमें डिफरेंस सेम है क्या, इन दोनों में डिफरेंस 3 है। अभी इन दोनों में डिफरेंट कितना है, 6.9 में 4 हमने माइनस किए, 2.9 का ये दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का कितना है, 9 में से अभी 6.9, 3.9 का है। तो देखो ये जो एटॉमिक मासेस का जो डिफरेंस है ना एलिमेंट में, वो अलग है, डिफरेंट है। सो राइज इन मेंडेलियव अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंजमेंट की है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ, राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म में अपीयर नहीं हो रहे। देखो कैसे, इनका गैप 3 का है, इनका डिफरेंस 2.9 का, इनका 3.9 का है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या, टू टू सबका डिफरेंस सेम रहना चाहिए, टू टू का ही डिफरेंस आना चाहिए। सपोज यहाँ पे इनका एटॉमिक मास 1 है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9, तो इनका गैप देखो 2 का गैप है, ये इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म गैप, उनका जो डिफरेंस है ना वो सेम है, इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं।
और इनका डिफरेंस देखो, अभी ये ओरिजिनल एटॉमिक मासेस है, इनका डिफरेंस सेम नहीं है, अलग-अलग है। तो ये गलती मेंडेलियो की थी। सो मेंडेलियो अरेंज द एलिमेंट्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बट राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। जो एटॉमिक मास बढ़ता गया वो अलग-अलग वैल्यू से बढ़ता गया, उनकी वैल्यू सेम नहीं थी। लास्ट की फोर्थ गलती थी मेंडेलियो की, देयर इज नो फिक्स पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल में नहीं थी। तो हाइड्रोजन का क्या प्रॉब्लम था? तो हाइड्रोजन का पहला प्रॉब्लम था, तो हाइड्रोजन इज अल्कली मेटल, वो अल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज भी रिप्रेजेंट करता है और हैलोजन की भी है। सो अल्कली मेटल भी है और हैलोजन्स भी है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन दोनों की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है, तो वो अल्कली मेटल की भी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करता है और हैलोजन की भी करता है। तो हाइड्रोजन को किधर बिठाना है, अभी उसमें अल्कली मेटल में डालना है या हैलोजन में डालना है हाइड्रोजन को, ये प्रॉब्लम मेंडल का। तो सो हाइड्रोजन को फिक्स पोजिशन नहीं थी मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल में। क्यों नहीं थी? हाइड्रोजन रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन्स। तो हाइड्रोजन हैलोजन की प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट करता है और अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी भी रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोजन के लिए फिक्स पोजीशन नहीं थी किधर, मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल। तो ये सब फोर डिमेरिट्स है। तो बुक में बहुत ज्यादा सेंटेंस लिख के दिए, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करने। पहला कंसेप्ट तो सीधा है, कोबाल्ट और निकेल का एटॉमिक मास सेम था, ये गलती थी। सेकेंड भी सीधा है, आइसोटॉप्स थे वो डिस्कवर्ड नहीं थे। तो जब डिस्कवर्ड हो गए तो चैलेंज क्रिएट हो गया, किस तरह से ये मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल में डाले। क्यों? आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। थर्ड का क्या है, जो एटॉमिक मास जो बढ़ता है ना वो यूनिफॉर्म में नहीं है, उसका डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग डिफरेंस से बढ़ते हैं। और थर्ड था, हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन ही नहीं थी, उसे अल्कली मेटल में डाले या हैलोजन में डाले। तो ये प्रॉब्लम मेंडेलियो पीरियोडिक टेबल में क्रिएट हुआ था। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें हम डिमेरिट्स कहते हैं।